नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज जो है, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग कक्षा 10 के एक्सरसाइज 8.2 का एक का दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। एक का दूसरा प्रश्न, सॉरी यहाँ पे दो नंबर लिखे नहीं है तो दो नंबर लिख देते हैं, ये दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये त्रिकोणमिति का सवाल है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बार भी हो सकता है पूछ दे। तो आप इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, तो ये देखिए दो लिखा हुआ तो हम दो लिख देंगे, टेन स्क्वायर 45 डिग्री लिखा हुआ है, तो टेन 45 का मान एक होता है। देखिए इसका मान आपको याद रखना पड़ेगा, जितना भी ये डिग्री वाला मान है आपको याद रखना पड़ेगा, यदि आपको याद नहीं है तो याद कर लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए टेन 45 का, यहाँ देखिए टू था तो टू हम ऐसे लिख दिए, और यहाँ टू टेन 45, टेन स्क्वायर 45 है, इसका मतलब टू और टेन स्क्वायर 45 के बीच में गुना का संबंध है, इसलिए हम यहाँ पे गुना दे दिए। टेन 45 का जो मान होता है एक होता है, और टेन पर स्क्वायर है इसलिए एक के ऊपर हम स्क्वायर दे देंगे, क्लियर हो गया। अब प्लस, अब देखिए कोस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 30 डिग्री का मान होता है रूट 3/2। तो यहाँ पे देखिए कोस पर भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हम ऐसे स्क्वायर दे देंगे, क्लियर। अब देखिए माइनस, साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का भी मान होता है रूट 3/2। तो यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो यहाँ भी हम स्क्वायर ऐसे दे देंगे, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे टू है तो टू लिखेंगे, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, एक लिखेंगे। प्लस यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, तो रूट पर जब स्क्वायर रहता है तो रूट खत्म हो जाता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और ये इस पर तो रूट नहीं है, रूट नहीं है तो इसका भी ये होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ 4 लिखेंगे। फिर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही सेम है, यहाँ भी हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पर देखिए 2 गुना 1 2 होगा, प्लस 3/4 माइनस 3/4, ठीक। अब आप यहाँ पे देखिए क्या है, 3/4 ये प्लस में है और 3/4 माइनस में है, तो जब दोनों समान है लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या 2, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिए, हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए।